राइस का डीएनए देखो, मेरे को कोई राइस से लेना देना नहीं है, आई एम नॉट कंसर्न्ड विथ राइस। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि जीएसटी सुनने में और जीएसटी समझने में कितना अंतर है। तो यदि कोई ये वीडियो यहां पे ऑफ करते बोल रहा है कि चावल चावल इज नॉट आवर बिजनेस, तो मैं आपको चावल के बारे में जीएसटी का बताना नहीं चाह रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीएसटी जिस तरीके से दुनिया न्यूज़पेपर से पढ़ती है और जीएसटी जो असल में है, दोनों में जमीन आसमान मतलब कोई सिमिलैरिटी नहीं है। पार्लियामेंट में ठटाठट पीट रहे हैं कि चावल पे जीएसटी लगा दिया, चावल महंगा हो जाएगा, 5% चावल महंगा हो जाएगा, गरीब आदमी चावल कहां से खाएगा, कौन करे ये सब। गवर्नमेंट को अपनी जो भी पॉलिसीज लाती है ना, उसका मार्केटिंग बहुत अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि 90% पॉलिसीज गवर्नमेंट की पब्लिक के वेलफेयर में ही है। किसी गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है कि पब्लिक से भिड़ंत ले ले, लेकिन वो पब्लिक तक वो बात पहुंचा नहीं पाती। लेट टॉक अबाउट द राइस। क्या राइस से चावल महंगा होगा? लेट्स एंजॉय दिस। खाली ये इसलिए बताना चाह रहा हूं, ये 15 मिनट का सेशन इसलिए बताना चाह रहा हूं जो मेरे शेड्यूल में भी नहीं था, लेकिन सिंस हॉटकेक है मार्केट में, बहुत गर्म बातें है, ये दाल अब गर्म हो जाए, सॉरी दाल अब महंगी हो जाएगी, चावल अब महंगे हो जाएंगे, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्या वास्तव में चावल दावल महंगे हो जाएंगे? क्या कोई गवर्नमेंट ऐसा सोच भी सकती है करने का? जुलाई महीने में अमेंडमेंट आया है। प्रश्न आ रहा है कि जुलाई के पहले क्या प्रोविजन था, अब नया प्रोविजन क्या है? तो भैया जुलाई के पहले प्रोविजन यह था कि कोई भी प्रोडक्ट हमारा 5% जहां पे जीएसटी दिया हुआ है ना, दैट इज शेड्यूल वन, दैट इज शेड्यूल वन। तो हमारा शेड्यूल वन में जहां पे 5% प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है, उसमें पहले दूसरे आइटम में क्या है मालूम लिखा हुआ है? ऑल प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट जो कि आप कोई ब्रांड लगा के बेचते हो, जिस ब्रांड पे आपका क्लेम है कि ये ब्रांड मेरा है और कोई यूज करेगा तो कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, वो सारे ब्रांड वाले प्रोडक्ट पे 5% जीएसटी लग जाए। उसमें राइस भी आ गया, उसमें राइस भी आ गया, दाल भी आ गई, चावल भी आ गई, प्रोवाइडेड वो राइस दाल आटा किसी ब्रांड के नाम से बिक रहा है। तो फिर पैकेट 1 केजी का हो, 10 केजी का हो, 50 केजी का हो, 100 केजी का हो, फर्क नहीं पड़ता, 5% जीएसटी लगेगी। यानी चावल दाल आटा पे पहले भी जीएसटी था, प्रोवाइडेड उसके पैकेट के ऊपर, बोरा के ऊपर एक ब्रांड हो और वो ब्रांड आपका अपना हो, और आप ये बोल रहे हो मेरा इस ब्रांड से कोई छेड़खानी किया तो आई विल क्लेम कॉम्पेंसेशन। तो भैया दैट चावल दाल आटा का बैग के ऊपर पहले भी जीएसटी लगता था, क्या रेट से? 5%। बात क्लियर? यानी वो सारे बड़े मैन्युफैक्चरर कोहिनूर चावल, आशीर्वाद चक्की आटा, गणेश चक्की आटा, ये सारे जो ब्रांडेड थे और जो बोलते थे ब्रांड मेरा है, इसको और कोई यूज नहीं कर सकता, जो टीवी में अपना फुल का एड देते थे, उन सब पे जीएसटी पहले भी लगता था। बात क्लियर? तो ये था पुराना प्रोविजन, इज दैट क्लियर? पुराने प्रोविजन में सपोज मेरी एक राइस मिल है, मुंद्रा राइस मिल, नॉर्मल सा राइस मिल है भैया, गवर्नमेंट राइस मिल खोल रहा है, कोई 3-4 करोड़ का अपना प्रोजेक्ट है, तो ठीक ठाक सा प्रोजेक्ट है। तो हमारे यहाँ चावल कैसे बनता है, गांव में हमने लोगों को बोला हुआ है कि भैया अपना धान दे दिया करो, बस वहां से हम सस्ते में धान उठा लेता है, गांव का गांव में तरीके राइस बनाते, चावल बनाते, चावल बनाते बेच देता है। किसको बेच देता है? हो सकता है मैं तोहिनूर चावल को बेचता हूँ, हो सकता है मैं गांव में किसी आदमी को बेच देता हूँ, हो सकता है मैं गवर्नमेंट को बेच देता हूँ, हो सकता है मैं किसी को भी बेच देता हूँ, क्योंकि मेरा चावल नॉर्मल है, ये एक नॉर्मल बोरे में बैग में पैक पैक होता है, मेरा तो ब्रांड ब्रांड नहीं है, जिसको लेना है ले लो भाई,
चावल हाथ लगाते दो कैसा है, सुन के दो कैसा है और ले लो खत्म। बताओ मार्केट में कोहिनूर चावल वाले सप्लायर ज्यादा है कि ऐसे मेरे जैसे राइस मिल बना के बेचने वाले लोग ज्यादा है? 95% फैक्ट्रीज आर ऑफ माई काइंड। चावल में क्या का ब्रांड, चावल तो चावल ही होता है। ठीक है, हम थोड़ी अच्छी मशीनरी ला के मिक्सिंग अच्छी कर रहे हैं, टंकर हटा रहे हैं, ठीक है, वी आर वर्किंग हार्ड, पॉलिश हमारा अच्छा है, लेकिन ब्रांड का हमारा माता पच्ची नहीं है। क्योंकि हम तो कोहिनूर को बेचते हैं, हम तो गवर्नमेंट को बेचते हैं, हम तो पार्टीज को डायरेक्ट बेचते हैं, राशन कार्ड वालों को बेच देते हैं। तो फाइनली इन सब पे जीएसटी पहले नहीं था, सिर्फ ब्रांडेड पे था। दैट वॉज ओल्ड प्रोविजन। अब नया प्रोविजन क्या आया, तुम सुनोगे तो तुम्हें बहुत हंसी आएगी। नया प्रोविजन यह आया कि वो जो पहले वाला जो शेड्यूल वन में लैंग्वेज था ना, ऑल प्रोडक्ट विच आर सोल्ड अंडर अ ब्रांड फॉर विच द सप्लायर हैज अ क्लेम ओवर हिज ब्रांड, इफ एनी वन मिस यूज हिज ब्रांड देन दैट विल बी लायबल टू पे कॉम्पेंसेशन, दैट प्रोडक्ट विल बी लायबल टू 5% जीएसटी। अब वहां पे उन्होंने वो सारा वर्ड हटा दिया और उन्होंने बोला ऑल प्रोडक्ट विच फॉल अंडर प्री पैकेज फूड, उसको ऊपर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट हमारे एक है, तो उन प्रोडक्ट को ऊपर 5% जीएसटी। अभी जो प्री पैकेज फूड जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में पॉल करते हैं, उसमें से वो प्रोडक्ट पॉल करते हैं जो 25 केजी या 25 लीटर से कम साइज में पैक होते, 25 लीटर या उससे कम, 25 केजी या उससे कम। यानी अब उन दाल और चावल पे जीएसटी लगेगी जो 25 केजी से कम वाले पैकेट में आते हैं या 25 केजी के पैकेट में। यानी यदि आप 1 केजी वाला चावल का पैकेट लेते हो तो उस पर जीएसटी लगेगी, यदि आप 5 केजी वाला तो चावल का पैकेट लेते हो तो जीएसटी लगेगी, यदि आप 25 केजी वाला तो चावल लेते हो तो उस पर जीएसटी लगेगी, लेकिन यदि आप 26 केजी वाला चावल लेते हो ना पैकेट, वो बोरा जिसमें 26 केजी चावल है जिसको ऊपर लिखा हुआ है 26 केजी चावल, उस पर जीएसटी नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं है। आके बड़ी मत करो, यही फैक्ट है। अब बताओ राइस फैक्ट्री में मुंद्रा राइस मिल जो अपनी चल रही थी उसमें चावल क्या पैकेट में आता था, सब बोरा बोरा, एक बोरे में कितना चावल, 40 केजी 50 केजी, उस पर जीएसटी लगेगा क्या? नहीं। तो पहले भी तो चावल पे जीएसटी नहीं था, मुंद्रा राइस मिल पहले भी जीएसटी नहीं देती थी, अभी भी जीएसटी नहीं दे रही है, क्योंकि कोई चावल की फैक्ट्री 25 केजी वाला पैकेट क्यों बनाएगी? वो तो बड़ी मिल है यार, बड़ी फैक्ट्री है, वो तो 50 केजी 100 केजी 40 केजी का पूरा पैक करेगी, तो उन फैक्ट्री से जो माल निकल रहा है उस पर तो जीएसटी है ही नहीं। और वो माल निकल के जब होलसेलर के आ रहा है तो वो बोरा अभी भी 50 केजी का है तो उस पर जीएसटी है ही नहीं, और वो 50 केजी का बोरा जब रिटेलर के पास आ रहा है तो रिटेलर उसमें से ऐसे तोल तोल के दे रहा है, उस पर भी जीएसटी नहीं है क्योंकि वो पैकेट नहीं है। तो पूरे चैनल में जीएसटी कहां आया? आया ही नहीं। फैक्ट्री से निकला 100 केजी का बोरा, जीएसटी नहीं है। होलसेलर से निकला 100 केजी का या 50 केजी का बोरा, जीएसटी है नहीं। वो 50 केजी का बोरा रिटेलर के पास आया, रिटेलर ने उसे एक एक केजी निकाल निकाल के दिया, दो दो केजी बेचा, वो प्लास्टिक की पन्नी वाले में डाल डाल के, भैया 2 केजी चावल लाओ, 80 रुपया दो, तो इस पर तो जीएसटी ऐसे भी नहीं है। जीएसटी है किस पे? जीएसटी उस पे है जो 25 केजी का कम, 25 केजी या उससे कम का बोरा पैक करके बेचता है। तो कोई भी इस पूरे चैनल में 25 केजी से कम का बोरा कैसे बनाए? तो फिर किस पे लगेगा जीएसटी? वही कोहिनूर चावल, वो अभी भी अपनी फैक्ट्री में 1 केजी का पैकेट बना रहा है क्योंकि उसका ब्रांडेड चावल है। वो लोग जाते हैं, भाई कोहिनूर चावल देना 1 केजी, वो लेके अपना बैग लेते चला, वो कोहिनूर चावल चाहिए उसको, वो कोहिनूर बासमती चाहिए। हाँ, तो उस पर तो जीएसटी पहले भी था, अभी भी है, क्योंकि वो तो ब्रांडेड था, वो क्लेम कर रहा है ब्रांड मेरा है, उस पर तो जीएसटी पहले भी था। तो नॉर्मल जो आप और हमारे घर में चावल आता है, हम लोग मिडिल क्लास से घर में चावल कहां से आता है? डू वी यूज अ ब्रांडेड चावल 1 केजी का पैकेट? नो नो, हम लोग नीचे अपने वो मोदी खाने में जाते हैं और बोलते भैया 2 किलो चावल देना, वो अपना चावल पन्नी में डालते दे देता है, उस पर जीएसटी न था न है।
मुंद्रा राइस मिल जो बड़ी सी मिल थी जिसमें 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा हुआ था, जो 50-50 kg बोरा बना के चावल बेचता था, उस पर GST न था न है। कोहिनूर चावल, माइंड इट, कोहिनूर चावल जो पहले 50 kg का बोरा बनाता था GST लगता था, अब नहीं लगेगा। तो कोहिनूर चावल के 50 kg के पैकेट में पहले GST था, अब नहीं लगेगा। कोहिनूर चावल के 25 kg के बैग में पहले भी GST था, अभी भी है। कोहिनूर चावल के 1 kg के पैकेट में पहले भी GST था, अभी भी है। तो चावल पे नया GST कहां आया? है नहीं GST। उल्टे पहले कुछ कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दे दिया था, आई रिपीट, उल्टे पहले कुछ कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दे दिया था कि मुंद्रा जी आप चावल की मिल चला तो, मैंने बोला हां, बोला चावल के बोरी में चावल दे तो, मैंने बोला हां, बोरी तो पर क्या लिख दो, मैंने बोलता मुंद्रा मिल, मुंद्रा मिल लिखते हो ना तो GST देना पड़ेगा। मैंने बोला क्यों देना पड़ेगा, तो बोले मुंद्रा मिल लिखते हो ना, ब्रांड लगाते हो अपना। मैंने बोला मेरा ब्रांड पे कोई क्लेम नहीं है, आई डोंट हैव एनी कॉपीराइट ऑन दिस ब्रांड, ये तो बस अच्छा लगे कि मेरी दुकान से माल गया है इसलिए मैं मुंद्रा मिल लगा देता हूं, बट आई डोंट हैव एनी क्लेम ऑन मुंद्रा मिल। यदि दूसरा मुंद्रा मिल वाला भी यूज कर लेता है तो मैं उसको पत्र कोर्ट में केस नहीं करूंगा। बोला ना 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 ना, आप अपने बैग में चावल भर के बेचते हो और उसमें मुंद्रा मिल लगाते रहते हो, आपको GST देना पड़ेगा, ऐसा कोर्ट का जजमेंट था। बेचारे राइस मिल वाले डरे हुए थे पिछले साल भर से, यार ये कोर्ट का जजमेंट आ गया हम लोग सब फंस जाएंगे। वो परेशानी हट गई, वो कोर्ट का जजमेंट नलीफाई हो गया, क्योंकि अब यह आ गया कि 25 kg के बोरे के नीचे वाले जो वो होता नहीं जिसमें वो लिटिल मेट्रोलॉजी एक्ट उस पर लगता है यार, वो स्टैंडर्ड एंड वेट मेजर्स एक्ट, आज जिसको प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है, इस चावल में इतना वो है, स्टार्च है, इतना सरकरा है, इतना वो है, वो है, वो जो डिटेल देते हैं ना, नेट केजी इतना है, इसमें वो थोड़ा सा केमिकल मिलाया हुआ, हरा लाल लगाना पड़ता है, वो वाले जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स बहुत ही स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट पे देना पड़ता है, वो फॉलो करता है प्री पैकेज एंड लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में। उस वाले प्रोडक्ट पे GST लगेगा यार, चावल वो वाला कौन लेता है, दाल वो वाली कौन लेता है, वो तो बहुत ही रेयर कंजम्पशन है। 95% आप और हम लोग तो मार्केट में मोदी खाने में पन्नी वाली चावल लेके आते हैं, बाबू 2 kg चावल दे दे, या हमारी जॉइंट फैमिली है तो हम लोग बोरी भर के 50 kg चावल एक साथ ले लेते हैं। हमने तब कोहिनूर चावल चखा है, हमने नहीं चखा, ये तो बस शादी वादी में कभी जाते हैं, वो कौन सा कोहिनूर चावल डालना है। और कोहिनूर चावल भी यदि 50 kg का पैकेट लो ना यार, कहां GST लग रही है, 40 kg का पैकेट लो ना, 26 kg का पैकेट लो ना, कहां GST लग रही है। अब तुम रईस की तरह 1 किलो कोहिनूर चावल दो, भाई तेरे ऊपर तो पहले भी GST लगता था, अभी भी है, कौन सा चावल पे GST आया है, जबरदस्ती पाटा बजा रहे हो। और आश्चर्यजनक बात है, ये मोदी का इतना चैनल पे सेटिंग है, इतने सारे स्पीकर्स है, लेकिन टेक्निकल स्पीकर्स नहीं है, जनरल स्पीकर्स है, हिंदू मुस्लिम करने वाले स्पीकर्स है, टेक्निकल स्पीकर्स नहीं है। एनी हाउ आई होप यू एंजॉय दिस, कि आप GST समझना, GST भाई नमक हो, चावल हो, दाल हो, आटा हो, सब इसी क्लॉज में फॉल कर रहे हैं। और जो आप सोच रहे हो टाटा नमक पे, तो पहले भी GST के लिए लायबल था, अभी भी लायबल है। तो भैया ये खाली मिथ है, और GST बाजार से मत समझना, GST जब भी समझो तो GST के नोटिफिकेशन, या गवर्नमेंट जब भी GST ऐसा कुछ लाती है तो वो FAQ लेकर आती है। अब FAQ उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, हम वो FAQ नहीं पढ़ रहे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे। वो FAQ पढ़ लेते तो ये आंसर पहले ही आ जाता, और हमने GST पढ़ लिया इसलिए नहीं आया। आज तुम्हारे ग्रुप में मैं वो FAQ डाल दूंगा चावल वाला, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है कि 25 kg के या 25 kg से नीचे के बोरे पे GST आया है। बात ये GST में है ही नहीं, तो राइस मिल में कहां 25 kg का नीचे का बोरा है, सभी राइस मिल तो 50 kg का बोरा में माल निकालते हैं,
तो कोई लॉरी जो आपको जा रही है उस पर जीएसटी नहीं है, 25-50 जी तो बोल रहे हो उसमें, वो सिर्फ बड़े बड़े ब्रांड। अरे दो चार ब्रांड बताओ ना यार जिसमें, हम लोग तो जानते नहीं, तो ब्रांडेड चावल खाया ही नहीं, और टीवी में भी ऐड नहीं देते। क्या क्या इंडिया इंडिया गेट, इंडिया गेट राइस कुछ ऐसा होता होगा। हाँ हाँ बासमती तो प्रोडक्ट का नाम है, ब्रांड नहीं है वो। जो भी ये जो बहुत ही जिसका टीवी में ऐड आ रहा है ना, वो जो फैंसी लोग कुछ लेते हैं, हमारे मुंबई में बैठे बेंगलोर में बैठे वो लोग के ऊपर जीएसटी था, पहले भी लगता था अभी भी लगता है। यानी सब मिलाते यदि चावल पे पहले 100 लोग जीएसटी देते थे, 100 का चावल बनता, 5 लोग पहले जीएसटी देते थे, तो अब 3 लोग जीएसटी देते। चावल पे जीएसटी घटा है, बढ़ा नहीं, घटा है। चावल पे जीएसटी घटा है, बढ़ा नहीं है रे भाई, नहीं बढ़ा। 26 किलो बना लो जीएसटी हट जाए, तो बता 26 किलो का बना लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। हाँ लेकिन जो 1 केजी का बना के बेच रहा था वो कहां से 26 किलो अफोर्ड करेगा, तो उस पर तो पहले भी जीएसटी था, अभी भी जीएसटी है। कम टू द टॉपिक, द न्यू टॉपिक इज इंपोर्ट। इंपोर्ट पे हम लोग आ गए। अब ये 15 मिनट का सेशन हमने सिर्फ इसलिए किया ताकि लोग ये समझे कि जीएसटी न्यूज़पेपर से और रेल में चाय की चर्चा नहीं है। जीएसटी जीएसटी तो अलग ही चीज है, उसको थोड़ा दिल से समझना पड़ता है। आप पार्ट टाइम जीएसटी नहीं कर सकते। दूसरी बात करता हूं, ये जो बड़ी मिल है ना कोहिनूर मिल, इन लोग को जीएसटी देना पोसाता है। पूछो कैसे, पूछो कैसे। आउटपुट पे रेट क्या है जीएसटी की? 5%। इनकी मशीनरीज पे रेट ऑफ जीएसटी कितना है? 28%, 18%। इनका एडवर्टीजमेंट पे जीएसटी रेट कितना है? 18%। आपको क्या लगता है ये जो कोहिनूर चावल यदि 100 रुपए में बिक रहा है तो इसमें मटेरियल कॉस्ट कितना है? बहुत कम। मेजरली कॉस्ट क्या है? मार्केटिंग और मशीनरी का डेप्रिसिएशन, मेजर कॉस्ट एडवर्टीजमेंट एंड एसेट का डेप्रिसिएशन। तो एसेट पे पहले जीएसटी नहीं मिल रहा था। यदि चावल से जीएसटी हटा दू, कोहिनूर चावल से जीएसटी हटा दू, तो कोहिनूर वाला रोएगा, बोला यार मेरा इतना आईटीसी लगा हुआ है वो सारा, मैं तो अब आईटीसी मिलना बंद हो जाएगा, और दूसरा मेरा एडवर्टीजमेंट में भी मेरा इतना खर्चा है, उसका मैंने आईटीसी जीएसटी लग रहा है, आईटीसी नहीं मिल रहा है। लेकिन अब उनको सबका आईटीसी मिलेगा, तो अल्टीमेटली वो कॉस्ट बराबर ही पड़ेगा, नुकसान नहीं होगा पब्लिक को। जो पब्लिक कोहिनूर चावल खाते हैं उन्हें भी बता दूं कि कोहिनूर पे 5% जीएसटी लगना आपके लिए अच्छा है, नहीं तो वो सारा आईटीसी उसको नहीं मिलता और वो सारा जीएसटी कॉस्ट में ऐड हो जाता। तो मोटा मोटी आपके बात बराबर ही पड़ती, तो चाहे कोहिनूर चावल वाले खाने वाले हो उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और आप और हमारे ऊपर तो जीएसटी लग ही नहीं रहा था। या दाल या चावल, न था जीएसटी ना है जीएसटी। जय हो अपोजिशन और जय हो न्यूज चैनल।